Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गोवर्धन क्षेत्र में पानी की समस्या बनी मुसीबत। मामला गोवर्धन कस्बे का है, जहां पर पानी की समस्या को लेकर क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है, जिसको लेकर क्षेत्र में जगह जगह नगर पंचायत गोवर्धन के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर आज गोवर्धन क्षेत्र के पुरोहित पायसा स्थित बहादुर सिंह वाली कुंज में महिलाओं के द्वारा नगर पंचायत पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुरानी पाइपलाइन को बंद कर नई पाइपलाइन डालकर पानी अवरुद्ध कर दिया गया है। महिलाओं ने बताया कि नई पाइपलाइन में हमारे अभी कनेक्शन नहीं किए गए और पुरानी पाइपलाइन को बंद कर दिया गया, जिससे कि उनको पानी मिलने में असुविधा हो रही है। वहीं कुछ महिलाओं के द्वारा नगर पंचायत के कर्मचारियों पर गलत तरीके से पैसे लेने का भी आरोप लगाया। इस समस्या को लेकर गोवर्धन के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी लगातार कई दिनों से अवगत कराए गए, लेकिन नगर पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उनके द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी गोवर्धन एवं जिलाधिकारी मुत्रा से समस्या को जल्द से जल्द निदान कराने का भी अनुरोध किया गया। देखना होगा अब कब तक गोवर्धन क्षेत्र में चल रही पानी की समस्या का समाधान स्थानीय प्रशासन या नगर पंचायत निकाल पाती है। मथुरा से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम सोनम है। क्या परेशानी है आपको? परेशानी सिर्फ पानी की है, और पानी के बिना आप जानते हो कि कोई काम नहीं हो पाता है। और यहाँ पे एक एक डेढ़ डेढ़ बज जाता है खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सबके लिए हमें पानी की जरूरत है। औरतें और तो कुछ आपसे चाहती नहीं है, ना ही आपने कुछ अच्छी सुविधा कर रखी है। बस इतना चाहते हाथ जोड़ के कि सिर्फ पानी की व्यवस्था तो अच्छी हो जाए। एक भी टैंकर यहाँ पे जिस दिन से चेयरमैन बने हैं उस दिन से ना तो एक पानी का टैंकर आया है, ना ये देखने आया कि सीवर का पानी आ रहा है। तो देख ले जाके कि क्या कहाँ से लीकेज हो रहा है, कुछ भी मतलब नहीं है। 20 रुपए का एक वो आता है कैंपर, सिर्फ एक कैंपर पानी का आ रहा है और उस पानी से हम गुजारा कर रहे हैं। बताइए बेरोजगार बैठे हुए कहाँ से हम 20 रुपए पर डे लाएंगे? अच्छा, कब से आ रही है परेशानी? परेशानी सर 1.5 साल हो गए ना, कोई 1.5 साल। मेरा नाम दलारी है। अच्छा, आज आपके द्वारा नगर पंचायत आया है कि नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ है, क्या कारण है? पानी की परेशानी है, पानी नहीं मिलता कोई, पूरे मोहल्ला में 4 दिन है पानी, 5 दिन है, बाद दिन से एक आध दिन आपको बासा पानी बड़ा बाते काम चल रहा है, अभी बिल्कुल ही ना है। 4 दिन थे तो पानी घर में क्यों, किस कारण पानी नहीं आ पा रहा? पानी नहीं डालिए, पुरानी बंद कर दी पानी, नई लाइन में पानी आना रहा, बताओ क्या करे। आपकी 300 रुपया और लगो या कनेक्शन? किस बात के लिए गया? बाकी लगो कनेक्शन कराई के। अगर कनेक्शन के लिए तो आप नगर पंचायत रसीद काट रही है 1100-1200 रुपए। बोल रहे थे तो 600 रुपया। कौन मांगता है? नल लगाने के लिए ठेकेदार भेजा जाता है, अब 600 रुपये मांग रहे सड़क पार कराई गयी। किसी के हारी या बीमारी है, धंधा पानी चल नहीं रहा, आपको मालूम है साल भर हो गई लगे नहीं। समस्या गोवर्धन के आज कुछ समस्याओं को लेकर के, क्या कुछ समस्या को लेकर के आज आप यहाँ आए हुए? समस्याएं तो बहुत बड़ी हैं, जब पेयजल पर संकट आ जाता है तो ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। पेयजल की समस्या को लेकर के विगत 4 दिन से मैं नगर पंचायत प्रशासन, तहसील प्रशासन को अवगत करवा रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझसे अब मुझे अवगत करा रहे हैं, तो मैं मौके पर पहुँच करके इस समस्या को तहसील प्रशासन, नगर पंचायत प्रशासन कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि कस्बे में अभी ओपन पाइपलाइन पेयजल की डाली गई है, पूरी तरह से पाइपलाइन अभी चारों तरफ डली नहीं है कस्बे में, और कई गली मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें तो बिल्कुल अभी तक पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची है। इस ओपन पाइपलाइन से घरों में कनेक्शन भी नहीं हो पाए हैं पेयजल के लिए, लेकिन एक आदेश फरमान जारी हुआ कि 15 फरवरी से नगर पंचायत द्वारा पुरानी पेयजल पाइपलाइन बंद कर दी जाएगी, ऐसा माइक से अनाउंस बताया जो लोग बता रहे हैं, और 15 फरवरी से पुरानी पाइपलाइन की सप्लाई बंद कर दी गई। और नई पाइपलाइन में चुनिंदा घरों के कनेक्शन हो पाए हैं, तो उन चुनिंदा घरों को तो पानी मिल पा रहा है, लेकिन जो हजारों की संख्या में उपभोक्ता है उनको पानी का संकट खड़ा हुआ है। नगर पंचायत तो कह रही है कि हम टैंकरों से पानी पहुंचा रहे हैं, सारी विवेक हो सकता है ये लोग कह रहे हैं, अभी आपने देख के आए होंगे, अब वो किसी को पानी भरना है टैंकर से, किसी को नहीं भरना है, कोई शुद्धता को लेकर के भर सकता है, कोई नहीं भर सकता है, ये मेरी समस्या नहीं है। टैंकर इसका समुचित समाधान नहीं है, क्योंकि टैंकर का आने की समय भी अलग हो सकता है, किसी लोगों के भरने का समय भी अलग हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समस्या एक छोटे से आदेश से खड़ी हो गई, उस आदेश को वापस लिया जा सकता है कि ठीक है भाई, जब तक कनेक्शन नई पाइपलाइन में नहीं हो जाते तब तक के लिए हम पुरानी पाइपलाइन की सप्लाई।